Hi everyone, I hope you all are well. Welcome to Right Guidance and Ambition. My name is Anjali. So, इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ स्टेटस वाला जो क्वेश्चन है वो डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ. इससे पहले सिलेबस एग्जाम पैटर्न और यूनिट वन का ए पार्ट जो है वो डिस्कस हो चुका है. जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी वीडियो अपलोड होती जा रही है आप लाइन वाइज देखो ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो. एंड प्लीज़ बच्चे थोड़ा सा पेशेंस रखो कि वीडियोस को बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, डिटेल में लिखना पड़ता है, देन उसके बाद एडिटिंग होती है. सो मैं अपनी तरफ से पूरा ट्राई कर रही हूँ जितना जल्दी हो सके आप तक वीडियोस पहुँचे. तो आप प्लीज़ वेट मत करो कि एक ही सब्जेक्ट की सारी वीडियोस अपलोड हो जाएंगी तब आप स्टार्ट करोगे तैयारी करना. जिस भी सब्जेक्ट की जो वीडियो अपलोड होती जा रही है आप उसके रिटर्न नोट्स की तैयारी जो है लिख कर करते रहो. नाउ विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट स्टार्ट विद आवर टॉपिक. सो क्वेश्चन नंबर 2, What do you mean by status? Explain its feature. तो सबसे पहले आपने लिखना है इंट्रोडक्शन. सोसाइटी इज़ द वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप. एक सोसाइटी के अंदर बहुत सारे सोशल रिलेशनशिप्स एग्जिस्ट करते हैं. उनमें से कुछ फॉर्मल होते हैं, कुछ इनफॉर्मल रिलेशंस होते हैं. सिस्टम ऑफ सोसाइटी इज़ मेंटेन्ड थ्रू रिलेशन. हर सोसाइटी का जो सिस्टम होता है वो उनके रिलेशनशिप्स पे बेस्ड होता है. एक सोसाइटी बनती तब है जब वहाँ पर रहने वाले लोगों के बीच में कुछ रिलेशंस एग्जिस्ट करते हैं. नो सोसाइटी कैन लिव विदाउट सिस्टम. किसी भी सोसाइटी के अंदर, चाहे दुनिया में कहीं कोई भी सोसाइटी हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वहाँ पर लोगों के बीच में कोई भी रिलेशन ना हो. अगर वहाँ पर रिलेशन नहीं एग्जिस्ट होगा तो वो सोसाइटी ही एग्जिस्ट नहीं करेगी. ईच पर्सन इन सोसाइटी इज़ गिवन वन स्पेसिफिक पोजिशन. हर एक पर्सन को एक स्पेसिफिक रोल, स्टेटस और पोजिशन दी जाती है सोसाइटी के अंदर और उसी के अकॉर्डिंग वो फंक्शन करता है. फॉर द मेंटेनेंस ऑफ सोशल सिस्टम डिफरेंट पर्सन शुड वर्क अकॉर्डिंग टू देयर स्टेटस इन एन एफिशिएंट वे. अब यहाँ पर अगर हम चाहते हैं सोसाइटी में एक सिस्टम बना रहे तो इसीलिए हर इंडिविजुअल का जो स्टेटस होगा उसके अकॉर्डिंग हर कोई काम करता है. इसी तरीके से सोसाइटी जो है चलती रहती है. हर किसी का कोई अपना काम है, कोई किसी के काम में इंटरफेयर नहीं करता है. सम पर्सन आर एट द हायर पोस्ट और सम पर्सन आर एट द लोअर पोस्ट. अब ऑफिसेज में भी अगर हम एग्जांपल लेके देखें तो सबकी जो पोस्ट होती है वो एक जैसी नहीं होती है. पहले जो अपर पोस्ट होती है देन उसके बाद हायरार्की में हम देखें तो लोअर पोस्ट पर लोग होते हैं. तो इस तरीके से चाहे ऑफिस हो, चाहे सोसाइटी हो, चाहे कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, वहाँ पर लोगों का स्टेटस पहले से ही डिसाइड होता है और उसके अकॉर्डिंग वो लोग अपना काम करते हैं. विद दिस स्टेटस सम ड्यूटीज़ आर ऑल्सो गिवन. और इस स्टेटस के साथ हर इंसान की कुछ ड्यूटीज़ बनती हैं, कुछ कर्तव्य बनते हैं अपनी सोसाइटी के प्रति, अपने जो समाज है उसके प्रति. तो इसीलिए जब कोई इंसान अपना स्टेटस मेंटेन कर रहा होता है तो साथ के साथ वो ड्यूटी भी निभाता है अपनी कंट्री के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए और अपने आसपास के लोगों के लिए. नेक्स्ट हेडिंग है डेफिनेशन. अकॉर्डिंग टू स्कार्ड एंड बर्कमैन स्टेटस इज़ द वर्थ ऑफ अ पर्सन एज एस्टिमेटेड बाय अ ग्रुप और अ क्लास ऑफ पर्सन्स. अब यहाँ पे स्कार्ड और बर्कमैन ने जो स्टेटस है उसकी डेफिनेशन दी है. आपने बिल्कुल टू द पॉइंट ऐसे ही लिखनी है. मैंने सबसे ईजिएस्ट वन यहाँ पे आपके लिए डेफिनेशन लिखी है. देखो लॉन्ग क्वेश्चन में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करके अपना आंसर लिखो. आप यहाँ पे डेफिनेशंस को स्किप नहीं कर सकते हो. इट इज़ बेटर कि आप अपने आंसर में डेफिनेशंस को लिखो. तो इसको आप 2 या 3 बार लिख के प्रैक्टिस कर लेना, आपको ईजिली लर्न हो जाएंगी. तो स्टेटस क्या है? एक इंसान की वर्थ है कि वो कितना अच्छा कर सकता है, कितना अच्छा परफॉर्म कर सकता है एक पर्टिकुलर ग्रुप में. तो उस ग्रुप में जो उसकी कैपेबिलिटी होगी, जो उसके स्किल्स होंगे, उसके अकॉर्डिंग उस ग्रुप में उसको स्टेटस दिया जाएगा. अगर पर्सन बहुत अच्छा परफॉर्म करता है तो उसको लीडर बनाया जाएगा. ये कह सकते हैं कि एक इंडिविजुअल का जो वर्थ होता है, जो इंडिविजुअल का जो स्किल होती है, कैपेबिलिटी होती है, उसके अकॉर्डिंग उसके ग्रुप में उसे स्टेटस मिलता है. उसकी क्लास जो होती है उसके अकॉर्डिंग पर्सन जो है वो सोसाइटी में जाना जाता है. सेकेंड डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू ऑकबर्न एंड निमकॉफ स्टेटस इज़ द रैंक ऑर्डर पोजिशन असाइंड बाय अ ग्रुप टू अ रोल और अ सेट ऑफ रूल्स. तो स्टेटस एक रैंक हो सकता है जो एक इंडिविजुअल को हमने दिया है, कोई ऑर्डर हो सकता है, कोई पोजिशन हो सकती है. जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पोजिशन हम लोग देते हैं ग्रुप के अंदर. तो जो भी असाइंड किया जाता है एक ग्रुप के द्वारा एक इंडिविजुअल को, उसको हम स्टेटस कहते हैं. तो जो भी ग्रुप के अंदर एक पर्सन का फंक्शन होगा वो फंक्शन वो उसी के अकॉर्डिंग करेगा जो उसका रैंक होगा, जो उसका स्टेटस होगा. और वो स्टेटस रैंक उसे असाइंड भी कौन करेगा? उसके ग्रुप वाले लोग ही उसे देंगे. तो ये होता है स्टेटस. नेक्स्ट हेडिंग है मीनिंग. मीनिंग ऑफ स्टेटस इज़ दैट वॉट इज़ द पोजिशन ऑफ अ पर्सन इन सोसाइटी. तो स्टेटस का मतलब है सोसाइटी के अंदर एक पर्सन की क्या पोजिशन है.
उसी को हम उसका स्टेटस कहते हैं. ही गेट दिस पोजीशन इन अ स्पेसिफिक वे. हर इंसान को उसकी पोजीशन एक स्पेसिफिक तरीके से दी जाती है. दीज वेज आर सैंक्शनड बाय सोसाइटी. और जो भी ये तरीके होते हैं जिससे एक पर्सन को पोजीशन मिलती है वो सोसाइटी द्वारा सैंक्शनड होते हैं. मतलब सोसाइटी उन पोजीशंस को एक्सेप्ट करती है तभी जाकर आपको वो पोजीशन मिलती है और आप उसके अकॉर्डिंग काम कर पाते हो. पर्सन वाई लिविंग इन सोसाइटी इज़ अ मेम्बर ऑफ मैनी इंस्टीट्यूशन. जब एक इंसान सोसाइटी में रहता है तो वो बहुत सारे संस्थाओं का इंस्टीट्यूशंस का ग्रुप का मेम्बर होता है. बिकॉज ऑफ विच ही गेट्स मैनी स्टेटस एंड पोजिशन इन सोसाइटी. तो इसीलिए एक पर्सन के बहुत सारे स्टेटस और पोजिशंस होते हैं सोसाइटी में. एंड पर्सन इज सुपीरियर और इन्फीरियर ड्यू टू हिज पोजिशन. और उसी पोजिशन के अकॉर्डिंग एक स्टेटस इंसान का डिसाइड होता है कि इंसान सुपीरियर है या फिर वो इन्फीरियर है उसके स्टेटस के अकॉर्डिंग. सम स्टेटस आर इम्पॉर्टेंट इन सोसाइटी एंड सम आर नॉट. अब ऐसा नहीं है कि सोसाइटी के अंदर सारे स्टेटस इंपॉर्टेंट है. कुछ स्टेटस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनके साथ रिस्पेक्ट जुड़ी हुई है. अगर आपको वो स्टेटस मिल जाता है तो अपने आप ही लोग आपको रिस्पेक्ट देंगे, आपकी जो बात है सुनेंगे. और कुछ स्टेटस जो होते हैं वो इतने इंपॉर्टेंट सोसाइटी में नहीं होते. प्रेस्टीज ऑफ अ पर्सन इंक्रीजेस विद हिज सोशल स्टेटस. तो जो भी सोसाइटी के अंदर एक इंडिविजुअल का स्टेटस होगा उसके अकॉर्डिंग उसकी प्रेस्टीज यानी कि रिस्पेक्ट डिसाइड होगी. वी कम टू नो अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ स्टेटस बाय कंपेयरिंग इट विद अदर स्टेटस. अब हमें कैसे पता लगता है कौन सा स्टेटस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसके साथ ज़्यादा रिस्पेक्ट जुड़ी है? जब हम लोगों के स्टेटस को आपस में कनेक्ट करते हैं और कंपेयर करते हैं. जो स्टेटस एक पीएन का होगा और जो स्टेटस एक आईपीएस ऑफिसर या आईएएस ऑफिसर का होगा, उनकी ड्यूटीज़, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनकी सैलरीज़, उनके फंक्शंस को जब हम कंपेयर करेंगे अपने आप ही पता चल जाएगा कौन सा पर्सन जो है सोसाइटी में सुपीरियर है और कौन सा पर्सन सोसाइटी में इन्फीरियर है. नेक्स्ट हेडिंग है फीचर्स. तो आपको वहाँ पे पॉइंट अगर फीचर्स आए या फिर करेक्टरिस्टिक्स आए आपने सेम ही पॉइंट्स कवर करने हैं. फर्स्ट पॉइंट है ईच स्टेटस हैज़ अ प्लेस इन सोसाइटी. ईच स्टेटस इज़ नोन बाई द रिलेटेड राइट्स, ड्यूटीज, नॉर्म्स एंड प्रेस्टीज ऑफ द ग्रुप बिकॉज पर्सन हैज़ टू डू फंक्शंस रिलेटेड टू दैट. अब सोसाइटी के अंदर जितने भी स्टेटस होते हैं हर किसी का एक अपना अलग प्लेस होता है. कोई भी स्टेटस जो होता है वो ऐसा नहीं होता कि उसको हम सोसाइटी से निकाल सकते हैं या स्किप कर सकते हैं. हर स्टेटस के साथ कुछ अपने राइट्स जुड़े हुए हैं, कुछ ड्यूटीज़ जुड़ी हुई हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशंस जुड़े हुए हैं. अब वो ऐसा इसलिए है क्योंकि हर सोसाइटी का जो स्टेटस होता है वो कुछ फंक्शन कर रहा है सोसाइटी में. हो सकता है किसी एक स्टेटस के साथ ज़्यादा फंक्शंस जुड़े हुए हैं, किसी एक स्टेटस के साथ कम जुड़े हुए हैं, बट हर स्टेटस का अपना एक प्लेस होता है सोसाइटी में. सेकेंड पॉइंट है स्टेटस इज़ डिटर्मिंड बाय द कल्चर ऑफ द सोसाइटी. यानी कि जिस सोसाइटी में हम रहते हैं उस सोसाइटी के कल्चर के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल्स को स्टेटस दिया जाता है. एग्जाम्पल के साथ समझते हैं. एज एन एल्डर मेंबर ऑफ द हाउस फादर गेट स्टेटस एंड रिलेटेड रोल्स ऑटोमेटिकली. जैसे कि इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग जो एल्डर मेंबर होते हैं, जो मेल एल्डर मेंबर हैं घर के, उनको ही मेन रोल दिया जाता है डिसीजन मेकिंग का. और जो भी इम्पॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं फैमिली के वो फादर ही लेते हैं. तो यानी कि हमारे कल्चर में जो मेल मेंबर है वो डोमिनेट करते हैं, उनका जो स्टेटस है वो हायर रहता है फीमेल से. तो जो भी स्टेटस होता है सोसाइटी में दिए जाते हैं वो उस सोसाइटी के कल्चर के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं. थर्ड पॉइंट है स्टेटस इज़ ऑलवेज कंपेरेबल. With the comparison of two status, we come to know that which status is higher or lower. जितने भी सोसाइटी के अंदर स्टेटस होते हैं हम उन स्टेटस को कंपेयर कर सकते हैं. और जब हम स्टेटस को कंपेयर करते हैं तभी हमें पता लगता है कि सोसाइटी के अंदर कौन सा स्टेटस हायर है, कौन सा स्टेटस लोअर है. फॉर एग्जाम्पल, द स्टेटस ऑफ ऑनर ऑफ अ फैक्ट्री इज़ डेफिनेटली हायर देन स्टेटस ऑफ अ मैनेजर. तो सोसाइटी के अंदर जो फैक्ट्री का ओनर होगा उसका स्टेटस हायर रहने वाला है उस कंपनी के मैनेजर से. फिर फोर्थ पॉइंट है ई स्टेटस हैज साइकोलॉजिकल बेस. पर्सन ऑलवेज डज हार्ड वर्क टू गेट हायर स्टेटस. अब सोसाइटी के अंदर हर इंसान चाहता है कि उसका स्टेटस जो हो वो इम्प्रूव हो, जितना हायर स्टेटस हो सके वो सोसाइटी में अचीव कर सके, जिसकी वजह से हर इंसान मेहनत करता है. रिस्पेक्ट एंड डिसरिस्पेक्ट ऑल्सो रिलेटेड विद एवरी स्टेटस. हर स्टेटस के साथ रिस्पेक्ट और डिसरिस्पेक्ट जुड़ी होती है. जैसा काम हम लोग करेंगे उसी स्टेटस के अकॉर्डिंग हमें रिस्पेक्ट देती है सोसाइटी. दीज आर रिलेटेड विद द साइकोलॉजिकल सेक्टर ऑफ अ
पर्सन. तो इसीलिए जितने भी स्टेटस होते हैं वो हमारे माइंड से रिलेटेड होते हैं. व्हेन पर्सन अचीव दैट सोशल स्टेटस विद हार्ड वर्क देन ही गेट्स मेंटल सेटिस्फेक्शन. अगर कोई भी इंसान बहुत मेहनत कर कोई स्टेटस अचीव करता है तो उस पर्सन को मेंटल सेटिस्फेक्शन फील होती है और वो कॉन्फिडेंट फील करता है. जैसे कि अगर कोई IAS IPS ऑफिसर बनता है मेहनत कर तो उस पर्सन का स्टेटस सोसाइटी में हायर रहता है और बाकी लोग भी उस पर्सन को रिस्पेक्ट देते हैं. फिर फिफ्थ पॉइंट है, स्टेटस इज ऑफ टू टाइप्स. स्टेटस जो होते हैं वो हर पर्सन के लिए दो तरीके के रहते हैं. फर्स्ट वन इज एस्क्राइब्ड स्टेटस विच अ पर्सन गेट्स विदाउट एनी एफर्ट और हार्ड वर्क. एस्क्राइब्ड स्टेटस वो होता है जो हर इंसान को मिल जाता है बिना कोई मेहनत किए हुए. जैसे कि हमारे जो रिलेशनशिप्स बनते हैं हमारी फैमिली रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के साथ, सन ब्रदर सिस्टर, ये सारे स्टेटस हमें मिल जाते हैं बिना कोई मेहनत किए हुए. सेकेंड टाइप ऑफ स्टेटस इज एन अचीव्ड स्टेटस एंड दिस टाइप ऑफ स्टेटस पर्सन अचीव्स विद हिज हार्ड वर्क वाइल लिविंग इन सोसाइटी. सेकेंड टाइप जो होता है वो अचीव्ड स्टेटस होता है जिसको हम अचीव करते हैं मेहनत कर जिस चीज़ को हम हासिल करते हैं और फिर हमें वो स्टेटस मिलता है उसे हम अचीव्ड स्टेटस में डालते हैं. जैसे कि कोई मेहनत करता है, ऑफिसर बनता है, क्लर्क बनता है, कोई पेपर जो है वो क्लियर करता है, तो जो भी स्टेटस उसके साथ जुड़ा हुआ है वो अचीव्ड स्टेटस में काउंट होगा. सिक्स्थ पॉइंट है, रोल इज डिटर्मिंड बाय स्टेटस. एनी रोल इज डेफिनेटली रिलेटेड विद एवरी स्टेटस. अब हर इंसान के पास स्टेटस होता है और हर स्टेटस के साथ उसका कुछ रोल जुड़ा होता है. कि अगर हमारे पास कोई स्टेटस है, फॉर एग्ज़ाम्पल फैमिली में हम लोग फादर मदर ब्रदर सिस्टर ये सारे स्टेटसेस देते हैं, उसके अलावा कोई स्टेटस हम अचीव्ड करके हासिल करते हैं, तो हर स्टेटस का अपना एक फंक्शन होता है, एक रोल होता है जो सोसाइटी में हमने प्ले करना होता है. पर्सन परफॉर्म हिज रोल अकॉर्डिंग टू हिज स्टेटस. तो हर कोई अपने स्टेटस के अकॉर्डिंग अपना रोल प्ले करता है सोसाइटी में. सम स्टेटस इन सोसाइटी आर वेरी इंपॉर्टेंट और कुछ स्टेटस जो हम अचीव करके हासिल करते हैं वो सोसाइटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. जैसे कि DC और SSP. DC यानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और SSP जो पुलिस की एक पोस्ट होती है. तो ऐसे कुछ स्टेटसेस जैसे कि IAS IPS ऑफिसर्स, ये इंपॉर्टेंट स्टेटस होते हैं जो सोसाइटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. सेवन्थ पॉइंट है, सिमिलैरिटी ऑफ स्टेटस बट नॉट ऑफ फंक्शन. मेनी टाइम इट हैपन्स दैट मेनी स्टेटस इन सोसाइटी आर इक्वल बट देयर फंक्शंस आर डिफरेंट. ऐसा बहुत बार देखा गया है कि स्टेटस सेम होता है बट उनसे जुड़े जो फंक्शंस होते हैं वो अलग अलग होते हैं. फॉर एग्जाम्पल प्रोफेसर ऑफ एनी कॉलेज, स्टेटस ऑफ ऑल ऑफ देम इज सेम बट देयर फंक्शन मीन्स सब्जेक्ट ऑफ टीचिंग इज डिफरेंट. इसका मतलब है कि जितने भी प्रोफेसर्स होते हैं कॉलेज में, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के हों, उनका स्टेटस, उनका जो रिस्पेक्ट है वो सेम रहती है, बट उनका जो रोल होता है, जो फंक्शन होता है, वो डिफरेंट हो सकता है. जैसे कि अगर कोई फिजिकल एजुकेशन के टीचर है, उनका काम ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है, ऑन ग्राउंड होता है, और कोई सब्जेक्ट ऐसा हो सकता है जिसमें थ्योरी है, उसमें थ्योरेटिकल वर्क ज़्यादा है. तो मतलब टीचर्स का, प्रोफेसर्स का फंक्शन अलग अलग हो सकता है बट उनकी सिमिलैरिटी ऑफ स्टेटस है, कि उनका स्टेटस सेम है बट उनके फंक्शनिंग अलग अलग है. एट पॉइंट है, ईच इंडिविजुअल हैज मेनी स्टेटस. पर्सन इज अ मेंबर ऑफ मेनी ग्रुप्स बिकॉज ऑफ विच ही नेवर गेट्स ओनली वन स्टेटस. अब एक इंसान बहुत सारे ग्रुप्स का, इंस्टीट्यूशंस का मेंबर होता है. जब हम इतने सारे ग्रुप्स के मेंबर होते हैं ऑफिशियली और अनऑफिशियली, तो हम लोगों को बहुत सारे स्टेटस मिलते हैं सोसाइटी के अंदर. तो किसी भी पर्सन के पास एक स्टेटस नहीं होता है, एक पर्सन के पास बहुत सारे स्टेटस होते हैं. ही गेट्स मेनी स्टेटस इन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस. अलग अलग सिचुएशंस में हमारे काफ़ी सारे स्टेटस जो है वो होते हैं और हम उन्हीं स्टेटस के अकॉर्डिंग रोल और फंक्शन भी प्ले करते हैं. जैसे कि एग्जांपल के साथ समझते हैं. वन पर्सन कैन बिकम हस्बैंड, फादर, सन इन फैमिली, चेयरमैन इन क्लब, टीचर इन स्कूल एट्सेट्रा. अब एक पर्सन हस्बैंड भी हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं, सन हो सकते हैं किसी के, चेयरमैन अगर वो किसी क्लब के मेंबर हैं तो वहाँ के चेयरमैन हो सकते हैं, अगर वो कहीं टीच करते हैं तो वहाँ के टीचर हो सकते हैं, किसी फैक्ट्री में काम करते हैं वहाँ के एम्प्लॉय हो सकते हैं. तो बहुत सारे स्टेटस जो है वो एक इंडिविजुअल को दिए जाते हैं और वो अलग अलग फंक्शंस भी परफॉर्म करते हैं उनकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग. नाइन्थ पॉइंट है, एवरी स्टेटस हैज सम राइट्स एंड ड्यूटीज़. All status are not equal in all the societies. That is why their rights and duties are also not equal. जितने भी status होते हैं society के अंदर, हर
स्टेटस का जो राइट होता है, जो ड्यूटीज़ होती हैं, वो अलग होती हैं। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द ओनर ऑफ अ फैक्ट्री आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ सर्वेंट। अब एक फैक्ट्री के अंदर एक ओनर है जिसकी फैक्ट्री है और दूसरे सर्वेंट्स जो उसके लिए काम कर रहे हैं, तो उन लोगों के जो राइट्स और ड्यूटीज़ है वो अलग अलग रहने वाले हैं। जितनी राइट और ड्यूटी ओनर के पास होगी उतनी सर्वेंट्स के पास नहीं होगी। तो इसीलिए हर स्टेटस के अपने कुछ राइट्स और ड्यूटीज़ होते हैं। 10th पॉइंट है, इट मेंटेन्स सोशल मोबिलिटी। सोसाइटी इज़ डिवाइडेड इनटू स्टेटस एंड रोल्स बिकॉज ऑफ विच स्टेबिलिटी इज़ मेंटेन्ड इन सोसाइटी। अब सोसाइटी में बहुत सारे स्टेटस होते हैं अलग अलग सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, और उन्हीं स्टेटस के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल रोल प्ले करता है, फंक्शन प्ले करता है, जिसकी वजह से सोसाइटी के अंदर स्टेबिलिटी बनी रहती है कि हर कोई अपना रोल प्ले कर रहा है, कोई किसी के रोल प्ले में इंटरफेयर नहीं करता। इसीलिए सोसाइटी के अंदर बैलेंस बना रहता है, सोसाइटी स्टेबल रहती है और कॉन्टीन्यूटी में हम लोग काम करते रहते हैं। पर्सन डू नॉट हैव स्टेटस देन देयर विल बी नो सोशल कंट्रोल। अगर हम पर्सन्स को स्टेटस नहीं देंगे तो उस स्टेटस से जुड़ा हुआ वो फंक्शन भी परफॉर्म नहीं करेंगे, जिसकी वजह से सोसाइटी में इंडिविजुअल्स पे कंट्रोल नहीं बन पाएगा और सोसाइटी अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगी। डिवीजन ऑफ लेबर इज अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी। जो भी काम बांटा जाता है, जो लेबर को डिवाइड किया जाता है, वो उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग किया जाता है, बिकॉज ऑफ विच सोसाइटी इज डूइंग प्रोग्रेस। इसीलिए सोसाइटी जो है दिन पर दिन डेवलपमेंट करती है, प्रोग्रेस करती है, क्योंकि हर इंडिविजुअल कोशिश करता है अपने लिए और सोसाइटी के लिए बेहतर करने के लिए। 11th पॉइंट है, स्ट्रेटिफिकेशन इन सोसाइटी इज बेस्ड ऑन स्टेटस। इट मीन्स दैट ह्यूमंस आर डिवाइडेड इन डिफरेंट क्लासेस इन सोसाइटी। सोसाइटी के अंदर लोग अलग अलग क्लासेस में डिवाइड किए जाते हैं और उनको अलग अलग स्टेटस मिलता है, जैसे कि लोअर क्लास, मिडिल क्लास और अपर क्लास। और ये जो क्लासेस बन रही हैं उसी के अकॉर्डिंग उनको स्टेटस दिया जाता है और उसी के अकॉर्डिंग वो रोल भी प्ले करते हैं सोसाइटी में। फॉर एग्जाम्पल, रिलेशन इन कास्ट सिस्टम वर अकॉर्डिंग टू द हायर और लोअर कास्ट। ऐसे ही सोसाइटी के अंदर कास्ट सिस्टम भी बनता है। कास्ट जो होती है वो लोग ट्रीट करते कि हायर कास्ट के लोग हैं, ये लोअर कास्ट के लोग हैं। तो इसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि सोसाइटी में स्ट्रेटिफिकेशन हो रहा है, जो डिवीजन हो रहा है वो भी स्टेटस के अकॉर्डिंग किया जाता है। 12th पॉइंट है, ईच पर्सन कैन अचीव एनी स्टेटस विद हिज ओन एफर्ट। ईच पर्सन कैन अचीव एनी स्टेटस विद हिज एबिलिटी, कि यानी कि कोई भी पर्सन अपनी एबिलिटी, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग अगर हार्डवर्क करेगा तो अपने स्टेटस को वो इम्प्रूव कर सकता है, वो नई चीज़ें जो है अचीव कर सकता है सोसाइटी में। विच एवर एबिलिटी द पर्सन हैज़, ही कैन अचीव द स्टेटस अकॉर्डिंग टू दैट। तो जो भी उस पर्सन की एबिलिटी होगी, मेहनत कर कर वो अपने स्टेटस को चेंज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई पर्सन जो है वो लोअर क्लास से बिलोंग करता है और उसने मेहनत करके गवर्नमेंट जॉब हासिल की है, जिसकी वजह से उसे रिस्पेक्ट भी मिल रही है सोसाइटी में। तो इस तरीके से कोई भी पर्सन अपना जो स्टेटस है उसको इम्प्रूव कर सकता है, जो हायर स्टेटस है उसको अचीव कर सकता है। पर्सन कैन गेट द स्टेटस ऑफ डॉक्टर आफ्टर गेटिंग एजुकेशन। तो एक पर्सन जो है एजुकेशन लेने के बाद डॉक्टर का जो स्टेटस होता है वो अचीव कर सकता है। लास्ट 13th पॉइंट है, स्टेटस गिव रिस्पेक्ट एंड डिसरिस्पेक्ट। फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट एंड डिसरिस्पेक्ट आर ऑलवेज रिलेटेड विद एवरी स्टेटस। हर स्टेटस के साथ रिस्पेक्ट और डिसरिस्पेक्ट का जो टैग है वो साथ में आता है। अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो, ऐसा स्टेटस है जो बहुत हायर है सोसाइटी में, तो लोग आपको फॉलो करेंगे, आपकी बात सुनेंगे। समवन लाइक्स पर्टिकुलर स्टेटस एंड समवन डिसलाइक्स इट। हो सकता है कुछ लोग एक ही स्टेटस को पसंद ही कर रहे हैं, उन लोगों को वो स्टेटस पसंद आ रहा है, और कुछ लोग जो है उसी स्टेटस को ना पसंद भी कर रहे हैं। ये लोगों के अपने इंडिविजुअल थिंकिंग पर है, माइंड पर है, कि लोग एक स्टेटस को पसंद करते हैं और कुछ और लोग उसी स्टेटस को पसंद नहीं करते हैं। नाउ एंड में कॉन्क्लूजन 4 to 5 लाइन्स, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट द कॉन्क्लूजन इन द एंड। इससे आपका आंसर जो है कॉन्क्लूड हो जाएगा। कोई भी इंपॉर्टेंट लाइन्स जो हमने पूरे क्वेश्चन में डिस्कस की हैं आप एंड में लिख सकते हो। अगर आपको इन केस लाइन्स नहीं पता लगेंगी, मैंने आपके लिए यहाँ पे लाइन्स लिख दी हैं, आप यहाँ से रीड कर लेना। आई होप यू विल फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल। इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस वीडियो और सिलेबस, प्लीज़ कमेंट बिलो। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। ऑल द बेस्ट अचीवर्स, हैव अ नाइस डे।